उसका हक ने भी ये फाड़ गया जरा। विश यू हैप्पी ईद मुबारक टू माय मुस्लिम फ्रेंड्स, माय भाई और बहनों। तो नहीं 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 तो जी गाइस, आप लोग को बहुत जल्द एक ट्रेवलिंग ब्लॉग्स मिलेगा भाई। अगर मैंने यूट्यूब से कमा गया सर लगभग 20,000-40,000 और आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि हम लोग पहली बार इस अपार्टमेंट में, हम लोग जो पहली बार नहीं रह पा, हम लोग 3 months के बाद हम लोग खा रहे हैं रोटी। ये देखो यार, चपक 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 चपक, पेपू पेपू कबाब पिएगा लाल चाय। हम लोग नहीं, मैं बना रहा हूँ रोटी। हाँ मैं बना रहा हूँ रोटी, हम लोग नहीं। अरे हम लोग बोल भाई, हम लोग हमें हाँ बनाता लता किसने, मैंने क्या लता किसने, मैंने तो इसलिए हम लोग सामने बोल, टीम में हम लोग टीम टीम तू सेफ है, मैं इन्वेस्टर हूँ। मजाक है क्या? देखो यार एकदम स्वाद वाला देसी वाला रोटी है भाई साहब, घी के साथ, प्योर घी के साथ ना बनाया दोनों ने और खाया हमने। तो हेलो गाइस, दिल्ली में एक चीज आने से सबके सब खुश होता है, क्या चीज आपको पता है? इट्स वेरी रेयर इन दिल्ली, तो आप लोग को दिखाने वाले हो ठीक है। यहाँ पे देखो, बाप रे बाप, इन सारा तेज काला बदल आ रहे, देखो इस तरफ से लेके इस तरफ आ रहा है, और अभी सूरजमणि भी चला के पता नहीं कहाँ चला के घूमने साइड मुझे लग रहा है। और यहाँ से देखो जो दिल्ली में ना, मतलब आसाम में अगर ये चीज़ आ गई तो एकदम कन्फर्म है कि यहाँ पे बारिश होने वाला है, पर दिल्ली में आने के बाद ऐसा फिक्स भी नहीं होता कि यहाँ पे बारिश होगा या नहीं होगा। अब तक फिलहाल तो फिक्स नहीं है, वो ऊपर वाले ही जान सकते हैं, पर दिल्ली में अगर बारिश हो गया ना तो सबके सब सुकून मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होते हैं, ऊपर से इतना मतलब मुझे सिर्फ निकल रहा था गर्मी 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 के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। भगवान प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार बारिश होने दो दिल्ली पे, नहीं तो हम लोग सह नहीं पा रहे, इतना मुश्किल से हम लोग यहाँ पे इतना पसीना निकल निकल के हम लोग सह रहे, प्लीज एक बार तो कर दो यार, ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत दिनों से हम लोगों ने प्लान किया था ताजमहल जाएगा, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, जो लंबा लंबा वाला क्या नाम है उसका, क्या कुतुब मीनार, ठीक है कुतुब मीनार जाएगा, वह जाएगा वो जाएगा, पर जा भी नहीं पा रहे। ये बोले जो लीफ है कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे भे। तो हम लोगों ने वो लोग सजेस्ट किया था पर फिर भी हो नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ का जो वेदर है ना बाहर जाने का लाइक नहीं है, बहुत ही भयंकर धूप है, ये भी नहीं हो रहे भे। और मैंने कुछ खाने के लिए लेके आया, और आते 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 यहाँ पे जो अपार्टमेंट का जो गार्डन है पूरा पूरा साफ कर दिया, पूरा लेवल कर दिया है देखो। और हम लोग को रूम दिखाऊंगा ठीक है, यहाँ पे जो कपड़ा व्हाइट कलर का है ना हम लोग को रूम में। तो अभी हम लोग दिल्ली का जो समोसा टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा होता है, कि कैसा टेस्ट है देखते फर्स्ट टाइम। तो हम लोग लेके आ गए समोसा 4 पीस, तो हम लोग ने ये वाला चनी, पता नहीं क्या चनी है, पूरा मैं तो लग रहा है कि सुबह सुबह का मूड लग रहा है, और हम लोग खाएगा अभी समोसा। ये सिर्फ 3 दिया, क्या बात कर, 4 दिन के लिए बोला था ना, हाँ 4 बोला था, 4 दिन तो बोला सुनने, ठीक है मैं 2 खाता हूँ 2 1 खाना, क्यों ये लग रहा है मैं 2 खाऊंगा, ये तू मैं 2 खाऊंगा 2 1 खाना, नहीं मैं खाऊंगा ये वाला खाना, ये वाला मैं 2 खाऊंगा, उसके बाद तू ले ले वो वाला ले, 2 वाला खाऊंगा मैं, एक खाऊंगा मैं, मैं 2 खाऊंगा ना, मेरे पैसे से खरीदा है भाई, पैसा मतलब क्या, तो नहीं 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 अरे समोसा फेंक दिया यार, समोसा फेंक दिया उसने, सिर्फ 2 ही बचा हुआ है। फॉर्चुनेट भी मेरा दोस्त है और मेरा बहन है, ईद मुबारक मेरी तरफ से, और आज के दिन है आप लोग इतना खूब इंजॉय कीजिए, आप लोग का दिन है एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे लेके ऊपर तक एकदम भयंकर एंजॉय करने के लिए, आप लोग का दिन है, आप लोग का सबसे बड़ा शायद फेस्टिवल है फॉर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो खूब एंजॉय कीजिए मेरी तरफ से भी फिर से। विश यू हैप्पी ईद मुबारक टू माय मुस्लिम फ्रेंड्स, माय भाई और बहनों। और यहाँ पे मैं विश करते करते एक चीज मैंने देख लिया, ये देखने के बाद मेरा मुंह के पूरा की पूरा धसिया उड़ा दिया भाई, ये क्या चीज है आपको दिखाऊंगा, दिखा यहाँ पे किसका अंदर पैर यहाँ पे लटका हुआ है, देखो इतना गंदा लटका हुआ है, और यहाँ से पीछे फरा हुआ है देखो, ये देखो नीचे से भरा हुआ है, ये देखो
ये कैसे फाड़ा है, उसका कपड़ा भरा है या उसका हगने में ये फाड़ गया जरा। रूम में बैठे बैठे कुछ काम तो है नहीं, मैं सोचा कि जिन अभी मेरा कपड़ा धोना है धो ले। ये मेरा सिर्फ क्या मेरा क्या किन टी शर्ट क्या है, यहाँ पे एक हो चुका है और यहाँ पे एक है और यहाँ पे ये तो मेरा नहीं रे, कहाँ चला गया रे, ये क्या है, अरे यार ये तो जंगिया है भाई। ठीक बस दो दिन कपड़ा मैंने लेके आया था, उसके बाद उसको धो लूंगा क्योंकि ये वाला बहुत ही गंदा हो गया और ये वाला जो मेरा दोस्त का पहना अभी तक पहना हुआ है, तो अभी इसको सर्फ डाल के उसको धो लूंगा क्योंकि धूप तो धूप है भाई। ये वाला जो एयर कूलर है वो जो मेरा दोस्त है पूरा की पूरा एक साल हो गया अभी तक यूज नहीं किया। जो ओनर है इस बिल्डिंग का जो ओनर है यहाँ पे पहले यहाँ पे रेट रहा हुआ करता था पर उसने छोड़ के चला गया, तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसको अभी हो रहे कि नहीं। चलो चलो भाई क्या कर कौन करे, करेगा मैं हूँ ना भाई, फटेगा तो मैं ही करेगा ना, तू मैं होने से भी तू उधर रह गया। मैं नहीं मानता, एक बार कर लो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कुछ नहीं होगा रे, कुछ नहीं होगा, ये देखो। ओ भाई ओ भाई 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 छोड़ना रे, छोड़ दो, ऑफ कर ना उसको, ऑफ कर ऑफ कर। हां भाई कैसी लगी आगे स्वाद? क्या बात कर रहे हैं? हां बे तो इतना साउंड क्यों निकल रहा है, मैं सोचा कि ये वाला फट के निकल जाएगा। बहुत दिनों के बाद अपना लौंडे के साथ बातचीत कर रहे हैं भाई साहब। कहाँ चला गया दिखा ना, ये देखो यार हम लोग तो सिंगल है फिर भी दो कुत्ता तो यार प्यार वार चल रहे, देखो एक माइनर है लौड़े, एक माइनर है एक बच्चा है रे लौड़े पे और फिर भी यहाँ पे एज मैटर नहीं करता भाई, एज मैटर नहीं करता। ये देखो यार जो खड़ी है ओप्पो है वो चली जाएगी, ये देखो एक पॉइंट तो हम लोग निकल चुका है, लड़का लोग लड़की लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये देखो ले लड़की भी कर रहा है देखो। तो ठीक है हम लोग का खाना वाना हो गया है और आज खाया तो अंडा, बहुत देखो हम लोग अंडा खा रहे हैं, ये बना लौंडे ने बनाया उसके बाद हम लोग दबा के खाया, उसको पेट के एकदम ऊपर उल्टी उल्टी हो गया रे, पूरा मजा आ गया। 12 बज के ओ अभी 12 बज गया, आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई अभी 12 बज गया। तो हमने बाहर के वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग एक चीज क्लेरिफाई करूंगा, ठीक है नीचे बसने को आपको क्लेरिफाई करूंगा क्या चीज है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि भाई तू दिल्ली में, दिल्ली कौन सा है, मैं पहले मैं कहाँ पे रहता था, दिल्ली में ही रहता हूँ, ठीक है दिल्ली गुड़गांव पे, उस टाइम में गुड़गांव में मेरे एक दोस्त के रूम पे रहता था। तो अभी हम लोग दिल्ली पे नहीं है, अभी दिल्ली से पार हो गया, अभी लोग गाजियाबाद में ना, हम लोग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अंदर ही है गाजियाबाद, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, कितना कितना किलोमीटर का दूर है भाई, ज़्यादा 30-40 किलोमीटर ऐसा काफ़ी दूर है। तो यही है भाई, आप लोग को जो लोग भी सोच रहे कि मैं दिल्ली में हूँ या बंदा क्या कर रहा है, एक्चुअली मैं दिल्ली में नहीं हूँ, एग्जैक्टली मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली से पार हो गया अभी, तो मैं गाजियाबाद में हूँ और गाजियाबाद मेरे एक दोस्त है, हम लोग खास दोस्त है जैसे कि हम लोगों का स्कूल लाइफ का दोस्त है, तो वही भी हम लोग रह रहे हैं। तो जी गाइस आप लोग को बहुत जल्द एक ट्रैवलिंग ब्लॉग्स मिलेगा भाई, ट्रैवलिंग का ब्लॉग मतलब कहाँ पे जाना है वो तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि ये बस बनते रहना इस ब्लॉग में, बस कंटिन्यू जाना, जो लोग भी मेरा रेगुलर व्यूअर्स है वो लोग तो पता चल गया चलेगा ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि हम लोग जाने का ब्लॉग्स भी दिखाऊंगा आप लोग को कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, बस बनते जाओ भाई। तो आजकल के आज सबको बोलो देश हम लोग ट्रैवलिंग का ब्लॉग्स नहीं बना रहे क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, मैं आप लोगों को बताऊंगा शेयर करूंगा, पर हर टाइम में हम लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाना ये नहीं होते हम लोग के पास, इतना भी हम लोग का पैसा नहीं है कि मतलब हर जगह पे हम लोग ये उठा के हम लोग कहीं पे भी निकल जाओ बिना कुछ बताए कि उठक पटक के, ये सब तो नहीं होता भाई। एक ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाना एक अपना अपना खुद का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूट्यूब से कमा गया लगभग 20,000-40,000 1,00,000 से करोड़ 15 करोड़ 1 करोड़ हो गया, तो ऑब्वियसली वो तो बात तो अलग ही बात है भाई, अगर ये कमा गया तो ऑब्वियसली आप लोग मिलते ही रहेगा कि ब्रोस का कहाँ पे न्यूजीलैंड सिंगापुर वगैरह वगैरह वगैरह, पर फिलहाल के लिए ये सब ब्लॉग देखना और मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर में कि ट्रेवलिंग प्रॉपर ट्रेवलिंग ब्लॉग्स को आप लोग को देखने को मिलेगा भाई। आप लोग को सपोर्ट चाहिए और आप लोग को प्यार चाहिए, बस वही, आप लोग को बिना प्यार कुछ भी नहीं है भाई साहब। पेट भी पूजा हो गया, गोपाल रिलैक्स करने के लिए हम लोग बाहर भी निकलते हैं बस इस रीजन की वजह से, देखो जी गाइस कितना मस्त लग रहा है। चलो
आज के ब्लॉग यही पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग सब लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कहते कहते बताना। और जो लोग भी चैनल में नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करो, एक ही तो मिनट एक ही सेकंड तो भाई, जो आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा दिल खुश हो जाते हैं, कसम से बोल रहा हूँ। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आज के लिए गुड नाइट। मुक्ता दोन कहाँ पे ट्रेवल करना है इस बार मैं नहीं बताऊंगा।